मकर सरकार कौन है? मकर सरकार कौन है? मकर सरकार कौन है? झूठी सरकार कौन है? धोखेबाज सरकार कौन है? केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद। केजरीवाल सरकार हाय हाय। केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद। केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद। रोटी रोजी दे ना सके, रोटी रोजी दे ना सके। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर भारी संख्या में आए हुए थे। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, बहुत ही भारी संख्या में लोग जितने भी ड्राइवर थे पहुँचे हुए थे। उसके बाद दोस्तों प्रदर्शन ख़त्म करने के बाद इन सभी ड्राइवर भाइयों को सर्दी के मौसम में इनको टोपियाँ बांटी गई, गर्म टोपियाँ थी ये दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की टोपियाँ इन सभी ड्राइवर भाइयों को, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, सभी को टोपियाँ बांटी गई। और टोपियाँ बांटने के बाद सभी ने अपनी अपनी टोपियाँ लगाई, सभी ड्राइवर यहाँ से खुश होके गए और अपनी जो इन्होंने मांगे रखी थी भगवान से यही दुआ करी कि हमारी मांगों को जल्दी सरकार मान ले। तो दोस्तों यहाँ पे टोपियाँ बांटने के बाद सभी खुश नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ने टोपियाँ लगा ली हैं। और दोस्तों इसके बाद इनका जो खाने का भी प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, तो यहाँ पे खाने के लिए इनके लिए भाई करीब 4-5 घंटे ये यहाँ पे इन्होंने अपने लगाए हैं, तो इनको खाने के लिए राजमा चावल यहाँ पे मंगाए गए थे। तो राजमा चावल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मंगाए गए थे, तो सभी ड्राइवर भाई खाना खाने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। देखिए सभी अपना आराम से लाइन में लगे हुए हैं, सभी को खाना वितरण किया गया। और खाना वितरण करते समय आप देख सकते हैं खाना वितरण जो भी ड्राइवरों को वितरण करने से पहले जो है जो हमारे जितने भी ड्राइवर भाई आए हुए थे सभी को जो है इस प्रसाद के तौर पे ये जो है खाना वितरण किया गया दोस्तों। और सभी ने पेट भर के खाना खाया, यहाँ पे जो राजमा चावल मंगाए थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राजमा चावल मंगाए थे, बहुत ज़्यादा थे, सभी ने अपना भर पेट यहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद दोस्तों सभी जितने भी ड्राइवर थे यहाँ पे एकत्रित हुए थे, सभी ने आपस में विचार विमर्श किया कि आगे की रणनीति हमारी क्या रहेगी, अगर सरकार इस बार भी हमारा जो किराया है वो नहीं बढ़ाती है और हमारी जो अन्य मांगे हैं उनको नहीं मानती है तो आगे हमें क्या करना है, उसके बारे में भी विचार विमर्श हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों अगर दिल्ली सरकार इस प्रदर्शन के बाद भी अगर हमारा ऑटो टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाती है तो ये सरकार ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के हित में काम नहीं कर रही है, तो दोस्तों आगे चल के हमें कुछ और करना पड़ेगा।